नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार और स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल साधना शिक्षा पे। फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर को जो पेपर सीटेट का एग्जाम हुआ था, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का पेपर की बात करेंगे। देखो, एक एक टॉपिक को कहां से कितने प्रश्न आए थे उस चीज़ का डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों ने भी मुझे कौन सा प्रश्न आया था अकॉर्डिंग इतना याद नहीं रहता, तो जिस हिसाब से बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बीच में शेयर कर रहा हूँ। और आने जिन लोगों का आने वाले समय में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और पेपर की प्रकृति को समझें, और मैं आगे ये भी बताऊँगा कि आने वाले समय के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक एक चीज़ को अगर समझते हैं शुरू से ही, पेपर की प्रकृति को अगर देख लेते हैं, जो CDP का है तो CDP मॉडरेट ही आई थी, ना ज़्यादा ईजी आई थी ना ही ज़्यादा कठिन आई थी। ठीक है, और हिंदी इजी थी, दो पैसेज आते हैं, ठीक है, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रामर एक दो नंबर की देखी जाती है, और पेडागोजी तो इजी ही आती है कि जो एक बार पेडागोजी को समझ लिया। ठीक है, इंग्लिश भी इजी थी, संस्कृत मॉडरेट थी, ना इजी ना कठिन। ठीक है, मैथ भी एक तरह से इजी था और EBS भी इजी थी। EBS के लिए आप NCERT समरी जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले CDP की बात की जाए लेवल फर्स्ट पेपर की, तो कोल वर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत से सीधा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हर बार पहले भी बता दिया था, कोल वर्क व्याजे वाइगोस की मैंने कंप्लीट करा दी है बहुत ही आसान भाषा में, आप वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। कोल वर्क से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वाइगोस की से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, व्याजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत से भी प्रश्न पूछा गया था, तो बुद्धि वाले टॉपिक को भी देख जाइए। तर्क समाज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मूल्यांकन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी पर भी प्रश्न पूछा गया। देखो डिसेबिलिटी से तो लाइक डिसलेक्सिया डिसग्राफिया इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक तो आप जरूर देख के जाना। ठीक है, इसका भी वीडियो डाला हुआ। विकास और वृद्धि से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, बालक का विकास और वृद्धि किसे, नई शिक्षा नीति, जो एक नई बात है, नई शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, इसको कहाँ से पढ़ेगा, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो मैं भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप फिलहाल के लिए जिन बच्चों का रिसेंटली एग्ज़ाम है तो आप गूगल पे सर्च करके NCF 2020 से संबंधित जो भी डिस्कशन है बातें हैं उनको एक अच्छे से रिविज़न करके जाना। ठीक है, NCF से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है CDP के लिए जिन बच्चों का आने वाले समय में एग्जाम है, व्याजे कोलवर वाइगोस की इसको कम्प्लीटली एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछे जाते बल्कि उसी चीज़ को घुमा के पूछ लिया जाता है, तो कहीं से भी प्रश्न पूछे आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, इस तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक को कम्प्लीट करके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं EVS की, EVS का किस तरह प्रश्न आया था, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, गोवा में कश्मीर केरल और हांगकांग के भोजन को सम्मिलित करने के समय गोवा कश्मीर से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, गुजरात के पड़ोसी देश पे पूछे गए प्रश्न, उल्लू की आँख से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और गांव के लोगों के पर्यावरण से पढ़ाना और उन्होंने पर्यावरण शब्द कभी सुना ही नहीं तो उसे पर्यावरण शिक्षक कैसे, इस तरह के प्रश्न आए थे। तो NCERT समरी पर्यावरण के लिए पढ़ के जाइए और पेडागोजी का देख के जाइए। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें, आय से संबंधित दो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, समय से भी प्रश्न पूछा गया था, नंबर सिस्टम में जो सीरीज है नंबर सिस्टम वाली उससे उस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, पेडागोजी में बेन हिले विचार पर सवाल पूछे गए थे। ठीक है, फ्रैक्शन का माध्य पूछा गया था। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें ESL का फुल फॉर्म पूछा गया था, और फर्स्ट क्वेश्चन ओजोन लेयर संबंधित था, और सेकेंड क्वेश्चन ग्रिड सिस्टम बेस्ड था। ठीक है फ्रेंड्स, और हिंदी की बात की जाए तो मन मस्तिष्क में कौन सा समाज है ये प्रश्न पूछा गया था, कविता पर राह चले जा रही ये मैसेज आया था, कविता पर राह चले जाए तो इससे संबंधित प्रश्न बने होंगे। ठीक है, और एक मदद पर आधारित हेल्प ऑफ अदर से प्रश्न मैसेज आया था, उस पर प्रश्न बने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सेकंड पेपर की बात की जाए, सेकंड पेपर की बात की जाए तो
सब्जेक्ट्स कल जो लेवल था CDP एक तरह से ईजी था, बच्चे बता रहे थे, ठीक है। हिंदी ईजी था, इंग्लिश भी ईजी था, संस्कृत मॉडरेट था, मैथ मॉडरेट था, EBS भी मॉडरेट था, SST मॉडरेट था, ठीक है, साइंस भी मॉडरेट था। देखो जिन बच्चों का सेकंड भाषा संस्कृत है, वो संस्कृत के लिए आप हिंदी की पेडागोजी को अच्छे से कवर कर लीजिए तो आपको संस्कृत हेल्प मिलेगी। और पैसेज के लिए आप जो मैंने कैसे मॉक टेस्ट देते उसका वीडियो डाला हुआ, उसको वीडियो को देख के आप लोग घर पे या जिनको ऑलरेडी आता है तो CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट की आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम हॉल में, आपके टाइम मैनेजमेंट में उतनी ही आपको मदद मिलेगी, क्योंकि पैसेज बहुत लेंदी होते हैं, उनको पढ़ने में ही हमको समय लग जाता है और फिर टाइम की दिक्कत आती है। इसलिए आप पहले एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करके जाइए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर बात करते हैं तो प्याजे के स्टेज से सवाल पूछा गया था। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि प्याजे को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि प्याजे से प्रश्न आ ही रहे हैं। कोलवर्क की 3 स्टेज से प्रश्न पूछा गया, 3rd स्टेज से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। NEP किस पर फोकस करती है, नई एजुकेशन पॉलिसी किस पर फोकस करती है। देखो नई एजुकेशन पॉलिसी से हर पेपर में आ रहा है, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाना। NCF से 3-4 सवाल, देखो NCF से 3-4 सवाल पूछे गए, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो वाइगस्की का, उससे उसको देखी के जाना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से सवाल, हार्वर्ड गार्टनर के कथन से संबंधित सवाल पूछे गए थे, ठीक है। और अधिगम अक्षमता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका भी वीडियो डाला हुआ है। और इनकलेश एजुकेशन से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। फ्रेंड्स देख लो, आप ये सब प्रश्न देखने के बाद पता चल रहेगी आप किन टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं, तो उन टॉपिकों को अच्छे से कवर करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और अगर रिपीट नहीं होंगे तो उस टॉपिक से प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। अगर साइंस की बात करते हैं तो किलोमीटर संबंधी आए थे, फोर से सवाल पूछे गए थे, चुंबक से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर पाइप को काला पेंट क्यों किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। एनीमिया DC से सवाल पूछा गया था, ठीक है। जो बच्चे सोशल साइंस वाले हैं SST वाले, उनको देख लेते हैं। सोशल साइंस वाले बच्चों को NCERT 6-8 पढ़ के जाना है, इसका एक बार रिवीजन करके जाना है, यानी इसकी समरी देख लो, समय कम है, NCERT की समरी आप देख के बिल्कुल जाना है, ठीक है। तराइन की युद्ध से संबंधित सवाल पूछे गए थे, भूकंप पर सवाल पूछा गया था, मैत्री आंदोलन का प्रणेता कौन है, इस पर प्रश्न पूछे गए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या, ये प्रश्न पूछे गए थे। सबसे बड़ा जैव मंडल क्या है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। खानकाह दरगाह से संबंधित सवाल पूछे गए थे, मशरूम से भी प्रश्न पूछे गए थे और संविधान पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। तो NCERT अभी कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट लास्ट में जो भी आपका नोट्स है या NCERT समरी का रिवीजन करके जाइए, ठीक है। फ्रेंड मैथमेटिक्स में एरिया और सर्कल पैरामीटर की बातें पूछी गई थी, थर्मिनिटिकल डिसिमल डेसिमल इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, मीन पर आधारित सवाल थे, एलजेब्रा से 2 प्रश्न थे, सिलेंडर से सवाल पूछा गया था, ठीक है। फ्रेंड्स तो देखो अपन ने 22 तारीख को भी देख लिया। फ्रेंड्स विशेष टॉपिक में प्याजे कोलबर्ग NCF 2005 नई शिक्षा नीति 2020 अधिगम डिसेबल वाले प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिकों को तो आप अच्छे से कवर करके जाइए, बाकी और टॉपिकों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। और साथ में इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह के आपको हेल्पफुल वीडियो और डेली CTET एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए आप साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं 4-6 दिन बाद MPTET का ये संविदा वर्ग 3 का पेपर होने वाला है, उसके भी CDP की कंटिन्यूसली एक नई सिरे से तैयारी शुरू करवाऊँगा, ठीक है। फ्रेंड्स धन्यवाद।